Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the concept of continuous professional development, that is CPD, in the light of the NEP 2020. Okay, earlier to this, I have already discussed with you the concept of continuous professional development, or you can say professional development of teachers through the historical perspective along through the various commissions and committees in post-independence India. Okay, so let's start. सबसे पहले जो बात की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बात हो चुकी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को परिभाषित किया जा चुका है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एनईपी 2020 से पहले जितने भी कमीशन्स और कमिटीज ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की बात की है, उन सब ने इन सेट की बात की है। इन सेट क्या है? ये कैपिटल INSET, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। ये एनईपी 2020 ने पहली बार इसको सीपीडी करके, मतलब यू कैन से कि पॉपुलराइज किया है। क्यों? क्योंकि एक दो कारण है इसके पीछे। पहला कारण ये कि अब बात होती है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हो रही है, कि सतत आपको सीखते रहना है, जीवन पर्यंत सीखते रहना है। और दूसरी बात ये कि जो सीपीडी टर्म है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म है, इसलिए एनईपी 2020 ने सीपीडी टर्म यूज किया। और अब बहुत बात हो रही है इस पर। और आप देखिए क्या क्या कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, जिसने कहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन मैसेज दैट द एक्सटेंड 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड विद अ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ 5+3+3+4 कवरिंग एजेस 3 to 18। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 आया था, जिसमें ये प्लस थ्री जो है वो ग्रेजुएशन वाला है, 10+2 यानी स्कूली शिक्षा तक के लिए, विद्यालयी शिक्षा तक के लिए 10+2 की बात हुई थी, उसको इसने एक्सटेंड कर दिया। उसने कहा कि नहीं, 10+2 मत करिए, 5+3+3+4 करिए। तो जो ये 10+2 वाला था, उसमें 3 से 6 वाली शिक्षा को इंक्लूड नहीं किया गया था। करेंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिंस एट द एज 6। इसलिए माना जाता था कि क्लास 1 का बच्चा 6 में जाएगा, और 6 से 14 की ये बात कर रहे हैं बार बार, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दीजिए, अनिवार्य शिक्षा दीजिए, इस तरीके की बात बार बार हो रही है। तो ये जो नीचे वाला छूट जा रहा था, इसको कवर किया है एनईपी 2020 ने। इन द न्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम एज 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अब एज 3 से ही इंक्लूड कर लिया गया है, विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग बेटर लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग। इसका उद्देश्य क्या है कि हम बेटर लर्निंग डेवलपमेंट और बच्चों के जन कल्याण, मतलब उनके कल्याण को हम प्रमोट कर सकें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनईपी इन पैरा 1.7 फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स इन आंगनवाड़ीज। करेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स विल बी ट्रेन्ड थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट बाय द करिकुलर और पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय NCERT। मतलब क्या है कहने का? मतलब यह है कि अब उनको एक एडिशनल कैडर तैयार करना है, उनको ट्रेन आंगनवाड़ी वर्कर चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आपने 3 to 6 को इंक्लूड नहीं किया था, अब आपने इसको इंक्लूड कर लिया है, तो वहां से आप बेसिक फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। तो ये एडिशनल टीचर्स आपके लिए तैयार हो गए, जिनका भी आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। और जो पहले से कार्यरत है, उनको और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक एफर्ट से आप ट्रेन करेंगे, और जो नए आप भर्ती करेंगे उनको ट्रेंड करके लाएंगे सिस्टम में। ओके, फिर सीपीडी इन द लाइट ऑफ द एनईपी 2020, मतलब क्या क्या कहा इसने? देखिए, द एनईपी 2020 आल्सो रिकमेंडेड दैट टीचर्स विल बी गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग द लेटेस्ट इनोवेशंस एंड एडवांसेस इन देयर प्रोफेशंस। दीज विल बी ऑफर्ड इन मल्टीपल मोड्स इंक्लूडिंग लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एज वेल एज ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह भी कहा कि शिक्षकों को सतत अवसर मिलते रहने चाहिए। किसके लिए? कि वो स्वयं का सुधार कर सकें और सीख सकें। क्या सीख सकें? जो एकदम अद्यतन इनोवेशंस, नवाचार और एडवांसेस उनके क्षेत्र में, उनके प्रोफेशन में हैं, उनको सीख सकें। और उनको आप मल्टीपल मोड में दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक तरीके का एकदम फिक्स चल रहा है हिसाब किताब, नहीं, लोकली, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, एज वेल एज ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। मतलब अब तो ऑनलाइन की बहुत बात हो रही है, बिकॉज ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको DL नहीं मिल रही है, आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी और कार्य में व्यस्त हैं, फिर भी आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, है ना। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी संस्तुतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सीपीडी के तहत दी है।
एवरी ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट। ये सबसे खास बात है और आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलराइज भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि हर शिक्षक को 50 घंटे प्रति वर्ष अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए खर्च करने हैं और ये आप अपनी रुचि से चुन लीजिए। इतने सारे वेराइटी है, इतनी सारे यू कैन से एवेन्यूज है, इतने सारे कोर्सेज चलते हैं, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से जो आपकी रुचि का विषय हो, जो आपकी रुचि का मॉड्यूल हो, कोर्स हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीपीडी अपॉर्चुनिटीज विल इन पर्टिकुलर सिस्टमेटिकली कवर द लेटेस्ट पेडागॉजीज रिगार्डिंग, अच्छा ये भी लेटेस्ट पेडागॉजीज कौन कौन सी, अगर आप एनईपी 2020 के थ्रू हुए हैं, आपने उसको पढ़ा है तो आपको याद हो गया होगा अब तक। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फॉर्मेटिव एंड एडेप्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। देखिए लर्निंग आउटकम्स बिना जाने अब आपका काम नहीं चल सकता, क्या होता है लर्निंग आउटकम, क्या होता है फॉर्मेटिव एंड एडेप्टिव असेसमेंट, इस सब पे बात हो चुकी है आपसे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग किसको कहा जाएगा, और रिलेटेड पेडागॉजीज, और इससे मिलती जुलती जो पेडागॉजी है जैसे अनुभवजन्य अधिगम है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोचेस, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो शिक्षकों को इनमें अद्यतन ज्ञान से परिपूर्ण होना होगा। ओके फिर एनईपी 2020 और क्या कहता है कि इन्होंने सिर्फ कॉलेज टीचर्स की बात नहीं की है, ये स्कूल प्रिंसिपल्स और स्कूल हेड्स और स्कूल टीचर्स की भी बात कर रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स विल हैव सिमिलर मॉड्यूलर लीडरशिप या मैनेजमेंट वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव देयर ओन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स कंटिन्यूअसली एंड सो दैट दे कैन शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद वन अनदर। ठीक है, तो कहा गया कि विद्यालय के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनको भी आप लीडरशिप और मैनेजमेंट वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेन कीजिए ताकि वो एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर सकें। सच लीडर्स विल आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन 50 आवर्स और मोर ऑफ सीपीडी मॉड्यूल्स पर ईयर। इनके लिए भी कहा गया है विद्यालय स्तर पर भी कि आपको 50 घंटे का ये इस तरीके का मॉड्यूल करना है, जिसमें आप क्या क्या करें, लीडरशिप का मॉड्यूल कर लीजिए, मैनेजमेंट का कर लीजिए, इसके साथ साथ कंटेंट और पेडागॉजी का भी, इसके साथ साथ प्रिपेयरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पेडागॉजिकल प्लान्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, दक्षता आधारित शिक्षा पर आधारित किस तरीके की पेडागॉजी हो, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, पेडागॉजी बनाना शिक्षक का काम है पर लीडरशिप यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हेड है, उसको इसको इंप्लीमेंट कराना होगा, तो इन सब पर आधारित मॉड्यूल आपको करने होंगे। एक Sorry for the interruption. Okay. In continuation of this, the NEP will be linked to CPD. अब NEP को किससे जोड़ा गया है? इसको जोड़ दिया गया है Career Management and Progression linked to CPD. मतलब CPD तो Continuous Professional Development है for Career Management and Progression. यानी CMP of all teachers. यानी हर टीचर के लिए एक CMP बनाया जाए, Career Management and Progression. In this regard, NEP envisages a system of multiple parameters for proper assessment of performance will be developed for the teachers by state or UT governments according to peer reviews, attendance, commitment, hours of CPD and other forms of service to the school and the community or based on national professional standards for teachers. देखिए NPST बहुत बात हो रही है इस पे, NPST क्या है, National Professional Standards for Teachers, सेट कर दिए जाएं National Professional, मतलब National मानक सेट कर दिए जाएं टीचर्स के लिए, इसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्या कहा, अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ एनपीसीटी विल बी डेवलप्ड बाय 2022। खैर ये अभी इस पे मतलब कहा गया 20 में कि 22 तक ये बना लिया जाएगा, लेकिन ये अभी इसके मतलब पूरा ये काम हुआ नहीं है। दैट वुड कवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रोल ऑफ द टीचर इंक्लूडिंग लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी स्टाफ तक के रोल की बात की गई है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टेज। The NPST will also inform the design of pre-service teacher education programs. इसने कहा कि जो आपका National Professional Standards for Teachers है, वो pre-service teacher education program के लिए भी design करेगा, मतलब जो B.Ed. trainees हैं। और देखिए सबसे खास बात, ये हो जाए तो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। Promotions and salary increases या increment will not occur based on the length of the tenure or seniority but only based on such appraisal. अगर वाकई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये करने में कारगर हो जाती है पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से, तो भारत का एक अलग चित्र हो जाएगा अगले कुछ सालों में।
क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि आपको प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं, आप कितने सीनियर हैं, बल्कि इस बात पे मिलेगा, आपका आकलन किया जाएगा कि आप भर्ती तो हो गए हैं लेकिन गॉड नोज कि आप, भगवान करे, ईश्वर की मतलब आप सही तरीके से भर्ती हुई हो आपकी, लेकिन भर्ती होने के बाद आपने क्या किया, आप कितना अद्यतन ज्ञान आपके पास है, आप कितना इन्वॉल्व रहते हैं, आप कैसा पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट कैसा आता है, स्टूडेंट आपका क्या फीडबैक है, उस पर आधारित आपका प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट जिस दिन ड्यू हो जाएगी उस दिन सब पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है, कीपिंग इन व्यू द अबव एम्स ऑफ सीपीडी एंड द वेरियस पर्पसेस एंड एम्स ऑफ सीपीडी इन विसेज्ड इन द एनईपी 2020 एज वेल एज वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च और रिपोर्ट्स, द गाइडलाइंस प्रपोज द फॉलोइंग ब्रॉड एम्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सीपीडी प्रोग्राम। तो ये तो हो गया कि ठीक है भाई, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, उसमें आपको नई पेडागॉजी सब सीखना है, साल भर में 50 घंटा इस पे देना है, स्कूल लीडर्स और कॉम्प्लेक्स के जो नोडल अधिकारी हैं उनको भी करना है, लीडरशिप मैनेजमेंट के कोर्सेज करने, ठीक, लेकिन पढ़ाया क्या जाए, मतलब उस प्रोग्राम में क्या कवर कर क्या करेंगे आप। तो वो कह रहा है कि कवर करिए टू सेंसिटाइज टीचर्स टू एग्जिबिट एंड इनकलकेट इथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनलीनेस, कर्टसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर, लिबर्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस अमंग स्टूडेंट्स। कोई विषय, कोई गुण तो रह नहीं गया। अगर इतना काबिल हो जाए शिक्षक, अगर इतना अपने कक्षा में इंस्ट्रक्शन देने लगे तो दिक्कत किस बात की। वो कह रहा है कि आप इथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि आप तद अनुभूति, दूसरों के लिए सम्मान करना, सफाई, कर्टसी, जो नागरिकता का गुण है, मतलब डेमोक्रेटिक का गुण है, उसकी स्पिरिट, सर्विस देने की स्पिरिट, पब्लिक प्रॉपर्टी की रेस्पेक्ट करना, वैज्ञानिक टेम्परामेंट, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुवाद, मतलब हम सबकी सबको समान देखेंगे, सबके एंगल को समझेंगे, समानता और न्याय हमको विद्यार्थियों के अमंग देखना है, क्रिएट करना है, इसके लिए टीचर्स को सेंसिटाइज करना। तो इस तरह से बहुत हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है। टू इनेबल टीचर्स टू रिकंसेप्चुलाइज सिटीजनशिप एजुकेशन, फिर टू इक्विप टीचर्स टू बिकम इन्फॉर्म्ड एंड रेस्पॉन्सिव टू द सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो विद्यार्थी है उसकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सामाजिक आवश्यकताओं को आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आपको पेडागॉजी सीखनी है कि कैसे आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन बच्चों में जागृत करना है, आपको एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना सीखना है, आपको मल्टी डिसिप्लिनैरिटी का कंसेप्ट अपनी शिक्षा में लाना है, यानी कि जब आप पढ़ाएंगे तो एक एंगल से मत पढ़ाइए, उसको ज्योग्राफी से भी जोड़िए, हो सकता है तो हिस्ट्री से जोड़िए, आप इन्वायरमेंटल साइंस से जोड़िए, आप साइंस से जोड़िए, कल्चर से जोड़िए, इस तरह से जोड़ के पढ़ाएंगे तो वो बच्चे को एक होलिस्टिक ज्ञान मिलेगा ना। पर एक्चुअली हम लोग ऐसा कर नहीं पाते बिकॉज वी आर इन हरी टू कवर अप अवर सिलेबस, बिकॉज जल्दी जल्दी एग्जामिनेशंस हैं और सब हैं आपके साथ, ठीक है। फिर हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड, देखिए ये तो इतना हो गया है कि ये तो हमको जानना ही पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, टॉय बेस्ड या गेम बेस्ड लर्निंग और आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग। आईसीटी के बिना तो, आईसीटी ना होती तो मैं आपसे ऐसे बात कैसे कर पाती, है ना। फिर उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म, भाषा पे बहुत बल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ये काम कर रही है कि लोकल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाए, बिकॉज लोकल लैंग्वेज में एटलीस्ट फाउंडेशनल स्टेज पर जब बच्चा सीखता है तो वो क्रिएटिविटी उसकी खत्म नहीं होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी सीखना, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक के लिए टीचर्स को सेंसिटाइज करना, ये रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया और इंडियन इथॉस की बहुत बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि हमें अपने अपने जो मूल जड़ें हैं, जहां से हम उद्भव हुआ है हमारा, हमको उसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़े रहते हुए हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना है ना। स्ट्रेस फ्री स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमको कराना है, और टू ट्रांसफॉर्म हेड्स ऑफ स्कूल्स इनटू प्रोवाइडिंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। जो हेड्स ऑफ स्कूल्स हैं वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का गुण उनमें हो, है ना, हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें, हम टू रिसर्च एंड रिफ्लेक्ट ऑन लर्नर्स, टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर अज्यूमिंग अदर रोल्स, क्योंकि हमें और भी बहुत से काम करने होते हैं ना, हमें सिर्फ पढ़ाना तो नहीं होता है, तो उन सब में भी हम दक्ष बने, और इनोवेटिव चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग के प्रति हमारा ओरिएंटेशन कराया जाए। हम बच्चों को बार बार ये बात हो रही है, लर्न टू लर्न हाउ टू लर्न, ये बात इतनी बार हो चुकी है कि हमको बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है कि सीखना कैसे है, जब हम उसको ये सिखा देंगे तो वो हर चीज सीख जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत लंबा है, ओ माय गॉड, द ब्लेंडेड, आई थिंक ये लास्ट है, नहीं ये लास्ट है। The blended mode and cafeteria approach of CPD will be well planned and designed by respective authorities to cater to the needs of teachers, school leaders and teacher educators. It will also address the 21st century skills and competencies which are suggested by UNESCO and NEP 2020. Okay, so
ये बात हो गई। अब कहा जा रहा है कि आपको ठीक है, सीपीडी हमने ये भी देख लिया, इतने सारे एरिया हैं जिनको कवर करते हुए आप सीपीडी प्रोग्राम बनाइए, तो क्या क्या आप उसमें रखें। अंडरस्टैंडिंग लर्नर, विद्यार्थी को कैसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, शिक्षण क्या है और उसमें क्या क्या जटिलताएं आती हैं उसको समझाना, कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग को समझाना, एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी और उनका आपस में क्या अंतर संबंध है, हेल्थ, योग एंड वेलबींग, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड पेडागॉजिकल ट्रांजेक्शन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप, जेंडर के बारे में बात है, इंक्लूजन डाइवर्सिटी के बारे में बात है, स्कूल करिकुलम पेडागॉजी एंड असेसमेंट के बारे में बात है, बहुत सारी बातें। तो इस तरह से आप सीपीडी प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। आप मतलब जो पॉलिसी मेकर है, जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाएगा शिक्षकों के लिए, चाहे उच्च शिक्षा पे हो, चाहे माध्यमिक पे हो, प्राथमिक पे हो, हर किसी के लिए बात है। और शुरू कहाँ से हुआ कि चूंकि 10+2 को आपने 5+3+3+4 का दिया है, पहले जो ये 3 से 6 वाला था वो एक्सक्लूडेड था क्योंकि पहले सारी बातें 6 से हो रही थी, लेकिन अब आपने इसको भी इंक्लूड कर दिया, तो आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेन करना है क्योंकि ECCE का कंसेप्ट अब आ गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। थोड़ा लंबा था इसे थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने किया इसको, बट आई थिंक इस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एक स्लाइड पर रुक कर इत्मीनान से पढ़ कर तब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई सेट।